हेलो एवरीवन स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में तो आज हमारे सामने शिफ्ट का एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल यहां पे खड़ा है जो हाल फिलहाल में यहा पे शिफ्ट लॉन्च हुई है इसका फेस लिफ्ट आप देख रहे हैं तो इसमें जो ये वाला वेरिएंट है ये सबसे ज्यादा यहाँ पे बिकने वाला है दोस्तों ये जो मॉडल है ये सेकंड बेस मॉडल है जो कि वी एक्स आई करके यहाँ पे आता है और इसमें जो कंपनी है यहाँ पे मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में यहाँ पे ऑफर करती है तो आज हम देखेंगे कितने का प्राइस में आ रहा है और इस मॉडल में क्या क्या फीचर्स आ जाते हैं माइलेज क्या है सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो एक बार फिर से वेरियंट का नाम बता देता हूँ ये सामने

सुजुकी का लोगो यहाँ पे नोटिस करेंगे तो थोड़ा सा देखिए करके पे पे अंदर की तरफ लगाया गया है काफी सही लग रहे हैं और यहाँ पे जो है इसके हेडलाइट्स वो यहाँ पे प्रोजेक्टर फॉर्म में मिल जाता है भाई गजब है अंदर की लाइट जो है वो हाइलोजन बल्ब है लेकिन आफ्टर मार्केट आप इसमें एलईडी जरूर लगवा सकते हैं यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसके क्रोम यहाँ पे मिलता है मतलब अंदर की हेडलाइट के अंदर जो कि ये एक अलग ही यहाँ पे लुक क्रिएट कर रहे हैं देख सकते हो बहुत अच्छे यहाँ पे लग रहा है और नीचे की तरह अगर आप देखेंगे तो इसके जो टर्न इंडिकेटर है वो यहाँ पे प्लेज है हाइलिजन बल्ब के साथ है उस साइड में छोटा सा जो है बल्ब जो कि पायलट लैम का यहाँ पे काम करता है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ फॉग प्रॉब्लेम के लिए कोई भी यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं दिया गया है तो ये है कार का फ्रंट का प्रोफाइल काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर लगता है और भाई कीमत ये वेरिएंट इतना वैल्यू फॉर मनी है क्या ही बताओ भाई सबसे पहले प्राइस ही आपको बता देता हूँ यहाँ पे तो इसका जो प्राइस है वो मात्र सात लाख उनतीस हजार पाँच सौ है एक् शोरूम प्राइस सात लाख उनतीस हजार पाँच सौ में इतने बड़े बड़े इसमें फीचर्स यहाँ पे मिल जाता है बहुत ही बेहतरीन इसका लुक देखिए आप प्रोजेक्टर में हेडलाइट्स यहाँ पे दिए गए हैं अब यहाँ पे आपको साइड में दिखाते हैं तो साइड से कुछ इस तरीके से यहाँ पे लुक आता है गाड़ी का ये है कार का साइड प्रोफाइल बहुत सही लग रहा है यहाँ पे डायमेंशन बता देता हूँ आपको पहले अड़तीस सौ साठ एम एम का यहाँ पे जो है कार की लंबाई मिल जाती है सत्रह सौ mm कार की चौड़ाई यहाँ पे मिलती है और कार की जो ऊंचाई है वो यहाँ पे पंद्रह सौ mm की मिलती है वही व्हील बेस की बात करेंगे तो यहाँ पे चौबीस सौ mm का मिल जाता है अंदर का स्पेस इस इसकी वजह से बहुत अच्छा यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे व्हील की बात करेंगे तो व्हील कवर है देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से जो प्रोफाइल है वो एक सौ पैसठ अस्सी आर चौदह के यहाँ पे मिलता है फ्रंट में डिस्क ब्रेक रियर में ड्रम ब्रेक्स आते हैं और यहाँ पे देखेंगे इसका ओ आर तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो मिल जाते हैं बट मैनुअली यहाँ पे फोल्डेबल रहता है टर्न इंडिकेटर ओ आर पे आ जाता है बढ़िया है ए पिलर ब्लैक टेपड आउट है देख सकते हो और यहाँ पे जो ये जो लगा हुआ है ये डोर वाइजर है और डोर वाइजर दोस्तों यहाँ पे एक्सेसरीज में लगाए गए हैं यहाँ पे देखेंगे बी पिलर ये भी मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ है कुछ इस तरीके से सी पिलर की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक यहाँ पे इतना एरिया मिलता है और यहाँ पे जो डोर पे है ये मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ ब्लैक टेपड आउट है डोर हैंडल्स बॉडी कलर के साथ है देख सकते हैं और ग्राउंड क्लियरेंस भाई एक सौ तिरसठ का यहाँ पे मिल जाता है तो ये था कार का साइड प्रोफाइल अब आते हैं इसके रियर की तरफ तो रियर देखिए आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे लगता है खासकर इसके जो है टेल लाइट्स है वो काफ़ी जबरदस्त यहाँ पे लगता है देखो ये जो है डिफ्यूज फॉर्म में यहाँ पे ग्लो करता है बहुत अच्छे यहाँ पे लग रहा है बढ़िया है ब्रेक लाइट्स की बात करेंगे यहाँ पे छोटे छोटे बल्ब यहाँ पे तीन दिए हैं एल में जब ब्रेक दबाएंगे तो ये चलेगा रिवर्स लैम्प यहाँ पे है हाइलोजन बल्ब के साथ और हाइलोजन बल्ब में यहाँ पे टर्न इंडिकेटर दिया गया है देख सकते हो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे सेंसर एक दो तीन चार यहाँ पे सेंसर मिल जाता है डीफोगर ग्लास है भाई डीफोगर ग्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है खासकर ठंडियों में क्योंकि फॉग जो है यहाँ पे जम जाता है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत करती है तो डिफॉगर होना जरूरी है तो यहाँ पे मिल जाता है बहुत अच्छी बात है ऊपर जो है हाई माउंड स्टॉप लैम्प ऊपर पोल एंटीना शुरू का लोगो और इसमें कोई कैमरा वगैरह नहीं आता है रिफ्लेक्टर यहाँ पर मिल जाता है नीचे की तरफ दोनों साइड में देख सकते हो तो ये है कार का रियर प्रोफाइल अब यहाँ पे जो है इसके फ्यूल टैंक की बात करेंगे तो फ्यूल टैंक 37 यानी 37 लीटर का यहाँ पे फ्यूल टैंक मिल जाता है बहुत अच्छे है यहाँ पे रेंज मिल जाता है गाड़ी की जो माइलेज है वो काफ़ी ज़बरदस्त है मैं बाद में बताऊँगा जब मैं इंजन की बात करूँगा अब जो है इसके बूट देखते हैं तो बूट जो है यहाँ से ओपन हो जाता है यहाँ पर बटन मिल जाता है इलेक्ट्रो वाला बटन है देख सकते हो तो सही है यहाँ पर जो है इसका बूट स्पेस देखेंगे तो यहाँ पे डिसेंट सा मिल जाता है 260 लीटर का बूट स्पेस है मतलब जो छोटा सूट किट्स है वो यहाँ पे इजीली आ जाएगा बढ़िया यहाँ पे देखेंगे तो हुक दिया हुआ है लेकिन कितना के का यहाँ पे टांग सकते हैं वो मेंशन नहीं है बाकी जैक वगैरह इसके अंदर आता है देख सकते हो कुछ इस तरीके से स्टोरेज है एक तरीके से और अभी फिलहाल यहाँ पर रखा हुआ ये रिफ्लेक्टर है और यहाँ पर देखेंगे इसका स्टैप नहीं भाई ज़बरदस्त है एक सौ पैंसठ अस्सी आर चौदह का यहाँ पे मिल रहा है सही है करते हैं इसको बंद रियर पार्सल ट्रे यहाँ पे मिल जाता है इस वेरिएंट में और यहाँ पे दिया गया है इसका ग्रैब हैंडल करते हैं सपोज अब चलते हैं गाड़ी के अंदर तो अंदर देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे मिलता है तो सबसे पहले डोर को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए भाई सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको पसंद आएगा इसका ब्लैक इंटीरियर भाई बहुत ही शानदार यहाँ पे लगता है इसका ब्लैक इंटीरियर सबसे पहले इसका डोर देखेंगे तो डोर में जो है यहाँ पे भाई फैब्रिक फिनिशिंग दिया गया है देखो ये फैब्रिक है ये फैब्रिक है एक प्रीमियमनेस जो है वो कार में ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेगा चारों के चारों पावर विंडो यहाँ पे मिल जाता है ड्राइवर वाला ऑटो डाउन ऑटो अप के साथ मिलता है सेंट्रल लॉकिंग विंडो लॉक करना मिरर को एडजस्ट करना यहाँ पे मिलता है बट फोल्डेबल मैनुअली रहता है क्रोम में डोर लीवर है यहाँ पे देख सकते हो इसका लॉक अनलॉक के लिए ऑप्शन दिया है स्पीकर यहाँ पे आ जाता है देख सकते हो यहाँ पे जो है इसका बॉटल होल्डर और यहाँ पे न्यूज़पेपर होल्डर यहाँ पे मिलता है तो ये है इसका डोर के बारे में अब जो है इसका सीट की बात करते हैं तो सीट कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे जरूर मिल जाता है लेकिन अभी जो है वो लगी नहीं है देख सकते हो लेकिन पीछे के जो है वो यहाँ पे फिक्स आ रहे हैं ये जो है इसकी सीट की हाइट है वो आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे मैंने फिक्स है मतलब जिसकी जितनी हाइट है वो उतने पर ही रहेगी बस नॉर्मल आगे पीछे और रिक्लाइनिंग हो जाती है अब अंदर बैठते हैं फिर अंदर से जो है गाड़ी का पूरा फीचर्स आपको दिखाते हैं तो देख सकते हो मैं अंदर बैठ चुका हूं और यहाँ पे इसका इंटीरियर काफी बढ़िया यहाँ पे लग रहा है सबसे पहले जो है इसका स्टेरिंग देखेंगे तो यहाँ पे फ्लैट बॉटम के साथ मिलता है यानी डी कट स्टेरिंग है ज़बरदस्त है और ये जो है काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है जब स्टेयरिंग को पकड़ेंगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया फील होने वाला है यहाँ पे देखेंगे तो इसके कॉलिंग के कंट्रोल्स वॉइस कमांड और यहाँ पे म्यूज़िक के कंट्रोल्स और म्यूट के बटन यहाँ पे दिए गए इधर ब्लैंक है एकदम और यहाँ पर जो है हॉर्न का बटन यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर ईयर बैग की बात करेंगे ना भाई यहाँ पर देखो एस एर एस लिखा है ईयर बैग भाई इसमें हो चुका है स्टैंडर्ड सिक्स ईयर बैग तो जो काम हुडई ने किया था वो काम इन्होंने अब शिफ्ट में कर दिया है मारती वालों ने जो छे एयर बैग है वो स्टैंडर्ड है मतलब कि बीस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक आपको छे एयर बैग गाड़ी में मिलेगा ही मिलेगा तो बहुत अच्छा यहाँ पे काम करा है दो सामने मिलता है देख सकते हो ये हो गया दो जो है सीटों की तरफ यहाँ पे मिलता है कुछ इस तरीके से और यहाँ पे जो है साइड कर्टन मिलते हैं दोनों तरफ तो ये है एयर बैग के बारे में अब जो है ये स्टेयरिंग की देख लेते हैं एक बार स्टेयरिंग जो है अप डाउन यहाँ पे हो जाता है टेलीस्कोपिक नहीं है इसमें टेल्टी आ रहा है इधर वाइपर वाले फंक्शन इस साइड को जो है हेडलाइट वाले फंक्शन यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे जो है इसका कीज़ की बात करेंगे तो मिलता है सेंटर लॉकिंग वाली कीज़ तो भाई सब कुछ है यहाँ पे आफ्टर मार्केट आपको कुछ भी नहीं करवाना पड़ेगा सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है देख सकते हो लॉक अनलॉक का दोनों यहाँ पे मिल जा रहा है और क्लस्टर देखो कितना प्यारा सा यहाँ पे मिल जाता है बहुत ज़बरदस्त लगता है काफ़ी अच्छा है यहाँ पे देख सकते हो इधर जो है आर मीटर इधर स्पीडो मीटर यहाँ पर शो करता है और ये एना लॉग ही ना एक तरीके से बेटर लगता है मुझे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसके रेंज एवरेज कितना चलने वाला है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा और इधर से जो है अगर चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे ट्रिप है ट्रिप भी ये सब चीज़ें यहाँ पे शो करता है तो ये था क्लस्टर के बारे में यहाँ पे देखेंगे कोने में तो यहाँ पे जो है ट्रैक्शन कंट्रोल आता है इसमें तो ट्रैक्शन डिसेबल करने वाला बटन ट्रैक्शन डिसेबल करने वाला बटन हो गया यहाँ पे जो है आइडल स्टार्ट स्टॉप को ऑफ करने तो यहाँ पे बटन दिया गया है इधर हेडलाइट लेवल करना है तो यहाँ पे बटन दिया गया है बाकी यहाँ से फ्यूल लीड और बोनट ओपन होता है यहाँ से देख सकते हो डेड पेडल भी दिया गया है साइड में कुछ इस तरीके से सही है और यहाँ पे जो है इसका म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है साइज़ जो है वो सेवन इंच का यहाँ पे मिल जाता है और म्यूज़िक जो है बहुत अच्छा है यहाँ पे साउंड क्वालिटी मिल जाता है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ कॉलिंग का, का काम हो जाता है और साथ ही साथ वायरलेस एंड्रॉड ऑटो तो एप्पल कार्पल यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है देख सकते हो मैंने अपना फ़ोन जो है इसमें कनेक्ट करके रखा हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा एप्पल कार्पल यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो सही है यहाँ पे ए सी इवेंट्स देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है यहाँ पे अलग टेक्चर है ये अलग टेक्चर है यहाँ पर अलग एक डिज़ाइन है ऊपर जो है फ्लैट यहाँ पे डैशबोर्ड मिलता है सही लग रहा है अच्छे लग रहे हैं काफ़ी हजेड लाइट वाला बटन हो गया ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे आ जाता है भाई देखो भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है यहाँ पे मज़ा आ गया भाई यहाँ पे जो है इसके जो है मैक्स कूलिंग वाला बटन दबाएंगे तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे ठंडा कर देगा बाकी नीचे यहाँ पे 12 वोल्ट आउटपुट यूएसबी पॉइंट यहाँ मिलता है इस तरीके से यहाँ पे जो है फ़ोन रखने के लिए स्पेस और यहाँ पे कप होल्डर मिल जाता है ट्रांसमिशन यहाँ पे फाइव स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है यहाँ पे देखेंगे लेदर है क्रोम टॉप के साथ यहाँ पे हैंड ब्रेक जरूर मिल जाता है सही लग रहा है और यहाँ पे छोटा सा स्पेस मिलता है बॉटल वगैरह रखने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिल जाता है कुछ छोटा सा एक यहाँ पे मैनुअली डे नाइट रजिस्टेबल आयर भी हमारा है यहाँ पे टिकट होल्डर दिया गया है लाइटें वगैरह यहाँ पे मिल जाता है हेलिजन बल्ब के साथ है और यहाँ पे मिलता है इसका वैनिटी मिरर सही है ग्रैब हैंडल हो गया देखो कुछ इस तरीके से तो ये है कार का इंटीरियर अब जो है इसका रियर कैबिन वगैरह स्पेस दिखा देता हूं देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रियर वाले डोर्स मिलते हैं लेकिन यहाँ पे कोई भी यहाँ पे फैब्रिक वगैरह नहीं मिलेगा जो कि फ्रंट में मिल रहा था यहाँ पे देखेंगे तो पावर विंडो वाला बटन क्रोम में डोर लीवर यहाँ पे बॉटल होल्डर यहाँ पे स्पीकर ग्रिल मिल जाता है सही है बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे सीट की बात करेंगे तो बहुत अच्छा कुछ नहीं यहाँ पे मिलता है और सीट की जो लेंथ है ना वो काफी ज्यादा यहाँ पे मिल जाती है फिक्स्ड हेड्रेस यहाँ पे आ रहा है और ये जो सीट है ये बेंच फोल्डिंग के साथ आता है यानी पूरी के पूरी सीट यहाँ पे गिरा सकते हो अगर ज़्यादा सामान आपको ले आ जाना पड़े तो तो अंदर बैठते हैं यहाँ पे अंदर बैठेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से इतना स्पेस यहाँ पे मिल रहा है सही है लेग रूम ठीक ठाक यहाँ पे मिल जा रहा है हेड रूम भी बढ़िया मिल जा रहा है और ये है इसका ग्रैब हैंडल कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल रहा है लेकिन इसमें कोई हुक्स वगैरह नहीं आ रहे हैं तो ये था इसका रियर वाला कैबिन स्पेस के बारे में अब जो है मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ तो यहाँ पे जो है अब इंजन चेंज हो चुका है पहले के सीरीज़ वाला इंजन आता था, था अब जो है जेड सीरीज़ का यहाँ पे आ रहा है जेड ट्वेल्व ई यह इंजन यहाँ पे आ रहा है जो कि 1.2 लीटर का है और थ्री सिलेंडर के साथ है एक सिलेंडर जो है कम हो चुका है लेकिन जो सीसी है वो सेम रखा गया है इससे फ़ायदा क्या है पावर में थोड़ा सा लैगिंग आएगा मतलब कम माइनर से मतलब पहले जो था एट्टी थ्री था अब इसमें जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो एट्टी वन का है मतलब दो पी एस ना के बराबर यहाँ पर डिफ्रेंस आपको मालूम पड़ेगा लेकिन जो माइलेज है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मिल जाता है और जो इसमें टॉर्क है वो यहाँ पे एक सौ ग्यारह एन एम का यहाँ पे मिल जाता है और प्रॉपर देखेंगे तो यहाँ पे इंसुलेशन भी किया गया है करते हैं इसको बंद तो है इसकी माइलेज की बात करेंगे तो ये इंजन जो माइलेज दे रहा है ना अभी जो क्लेम हो रहा है वो चौबीस पॉइंट एट के एम पल का माइलेज यहाँ पे क्लेम हो रहा है मैनुअल ट्रांसमिशन में और ऑटोमेटिक का अगर बात करेंगे तो इसमें पच्चीस पॉइंट सेवन के एम पल का माइलेज यहाँ पे क्लेम होता है और अगर आप इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट लेना चाहते हो ना तो इसमें बस आपको चालीस हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने हैं मैनुअल ट्रांसमिशन का मैंने रेट बताया था सात लाख उन्तीस हज़ार पाँच सौ तो उसमें चालीस हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दीजिए तो इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट यहाँ पे मिल जाता है तो ये था मारुति स्विफ्ट का वी एक्स आई मॉडल लेटेस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर मॉडल आपको कैसी लगी गाड़ी कमेंट करके जरूर बताना वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद